फिर भी घर पर जाना पड़ रहा है हम लोगों को सुबह सुबह। हम थक गए हैं। वेलकम बैक मॉम। ये क्या कर रही हो मिच्ची? इसमें क्या है मुझे दिखाइए ना। देखो टाकोयाकी मशीन। अरे वाह, हम टाकोयाकी पार्टी कर सकते हैं। लेकिन अचानक से टाकोयाकी पार्टी? टाकोयाकी और अहीजो, समझे? जानते हो अहीजो और टाकोयाकी मशीन में बनाना बढ़िया होता है। क्या पार्टी में फिल्म जगत के लोग भी आ सकते हैं? कभी तो सोच के बोला करो। इसलिए अहीजो एक ऐसी शानदार डिश है जिसकी खासियत ये है कि ये अदरक और ऑलिव ऑयल से बनाया जाता है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जानते हो टाकोयाकी मशीन की वजह से हमें ज्यादा ऑलिव ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मित्सी, आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही शानदार पार्टी। तो खड़े क्यों हो, जाओ जल्दी और मार्केट से सामान ले आओ। अरे अभी अभी तो घर वापस आए थे हम दोनों। इतनी वक्त के बाद मुझे चॉको चिप्स की जरूरत पड़ेगी डैड। अरे शिनचान। ननाको दीदी, कैसे हैं आप लोग, कहीं जा रहे हैं क्या? मैं शिनचान की मॉम के लिए कुछ सामान लेने आया था। वो बहुत मेहनत करती है ना घर पे। आप कितने अच्छे हैं। अभी इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। ननाको दीदी सुनिए। अच्छा शिनचान, तो आप मुझे जाना होगा। मैं अपनी फ्रेंड के स्कूल फेस्टिवल में जा रही हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय डैड, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। अरे 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 डैड, मुझे जाने दीजिए। हे शिनचान, तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बढ़िया अहीजो और टाकोयाकी बना रही हूँ। ये लाल सा क्या है? ये रेड पेपर है। कहाँ से आया होगा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसमें बस रेड पेपर ही है। इसकी खुशबू तो कमाल है। ये लगभग तैयार हो गया है। ये तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे लगता है तुमने ये डिश पहली बार बनाई है ना? हाँ? तुम अभी भी बच्चे हो बेटा। जब गर्म होता है तभी तो सबसे अच्छा लगता है। देखो अच्छा तो ये खाइए। इसमें मिर्चें भरी थी, अब तो मेरी जीभ जल जाएगी जरूर। इसे तब खाना चाहिए जब ये गर्म हो। मैं खाऊंगा लेकिन इसे फिर भी। क्या कोयल की आवाज निकालना चाहते हैं? इसकी टेस्ट तो कमाल की है। कहना पड़ेगा स्वाद के मामले में ये नंबर वन है। शिनचान, बहुत हुआ, अकेले ही तुम सब खा जाओगे क्या? अब हम ये टाकोयाकी डिश खाकर भी खत्म कर सकते हैं। अरे क्या हो गया है मित्सी? अब अच्छा वाला तो सब खाकर खत्म हो गया। इसका मतलब मॉम आपने वो सारा इस्तेमाल कर लिया। मैंने नहीं, तुमने सब इस्तेमाल कर लिया। अरे अब करना क्या है? ओ हाँ, चलो कुछ अलग सा टाकोयाकी बनाते हैं फ्रिज के बचे हुए सामान से। ये सब तो कुछ अजीब चीजें हैं। एक काम करती हूँ, मैं कुछ अच्छा सा सामान ले आती हूँ। तुम्हारा मतलब ये एक लॉटरी जैसा है? आहा, सही कहा तुमने। हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हमें क्या मिलेगा। ये एक सरप्राइज पार्टी जैसा है। मुझे ये आइडिया पसंद आया। वैसे है तो ये काफी मजेदार। ठीक है, आप मुझे भी चाहिए ये टाकोयाकी। ठीक है, तुम भी इसमें कुछ डाल सकते हो। ठीक है, ये डालेंगे। सॉस ले आया मैं, सॉस। अरे शिनचान, क्या तुमने कुछ डाला इसमें? शिनचान, तुमने क्या डाला था? आप लोग को मजा आएगा। चलो ये हो गया। एक काम करें, इसमें थोड़ा सॉस डालकर देखें तो।
सॉस नहीं डालनी चाहिए मिट्सी। हाँ ठीक है, क्यों ना हम अपनी आंखें बंद कर टेस्ट का पता लगाते हैं। मैं पास देखूंगा। थोड़ी भी आंखें मत खोलना बेटा। और यहाँ पर मेरे लिए मूली, ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी है। कौन सा टाकोयाकी खाऊं, कौन सा टाकोयाकी? दही आ गया, बहुत ही टेस्टी है। मुझे नहीं पता था कि टाकोयाकी में इतना मजा आएगा। चलो मैं कौन सी लूं? हाँ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्या ये कुछ अजीब सी चीज है? इसमें थोड़ी चॉकलेट है जो मुंह में जाकर पिघल जाती है। मुझे भी चॉकलेट मिली। तुम लोगों को चॉकलेट मिल रही है? फिर से वही अजीब सी चीज आ गई है। बहुत खा लिया आज तो मैंने। हाँ सच में। अरे हाँ, जो चीज शिनचैन ने डाली थी वो तो अभी तक नहीं निकली है। इसका मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है ये इन्हीं में से होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर सोचना कैसा। चलो खाते हैं। तैयार हो जाओ। टेस्टी, मुझे फिर एक बार मूली मिल गई। मुझे चॉकलेट मिला। शिनचैन बेटा, क्या डाला था तुमने इसके अंदर, बताओ? च्युइंग गम। तुमने ये क्यों डाला था? ये आपको टेस्टी लग रहा है ना डैड? मेरा पेट तो भर गया। तो अब डिनर का क्या होगा? हेल भी नहीं पा रहा। मैं भी नहीं। हेलो, आप कैसी हैं? वेलकम, कहो क्या बात है? अरे नैना को दीदी, तुमने तो कहा था तुम हेल भी नहीं सकते थे ना। स्कूल फेस्टिवल में मजा आया था? जी हाँ, और मैं कुछ लेकर आई हूँ। अब क्या लाई है? खुद देख लो। इसमें क्या होगा देखता हूँ। मेरे दोस्त ने उस फेस्टिवल में टाकोयाकी का स्टॉल लगाया था, तो मैंने सोचा मैं शिनचैन के लिए पैक करा लेती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। मुझे टाकोयाकी चिप्स बहुत पसंद है दीदी। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं।